हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक के बारे में। एक ऑडियंस का कमेंट आया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर रिव्यू देने के लिए, ठीक है? तो हम अभी बात कर रहे हैं मंथली चार्ट पर। जी हाँ, मंथली चार्ट पर आप क्या देखेंगे कि मंथली चार्ट पर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, यानी कि हायर हाई बना रहा है। तो अब यहां से इस मंथ एक अच्छा स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि सपोर्ट बनता है हमारा समथिंग 1408 के आसपास, ठीक है? मंथली चार्ट पर जो सपोर्ट बनता है 1408 के आसपास बनता है, रेजिस्टेंस 1597 के आसपास हो जाता है। वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे। जी हाँ, रेजिस्टेंस पर स्टॉक अभी भी खड़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, लगभग 1615 के आसपास। तो यानी कि स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है, एक बड़ा अप मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिला है, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ से देखने वाली क्या बात होगी, यहाँ से देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से क्या ब्रेकआउट स्टॉक में हो पाएगा। जी हाँ, क्या स्टॉक में ब्रेकआउट हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे आपको साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है? और स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या लगता है, मुझे लगता है यहाँ से ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना है, ब्रेकआउट हो जाएगा और 1615 के ऊपर एक एंट्री बनती है। टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो टारगेट आपको लगभग 1800 तक का देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है 1620 के आसपास, तो आपको एक 1800 रुपये तक के टारगेट के लिए एंट्री मिल सकती है, ठीक है? तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।